जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस 20 आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे के रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थन रेलवे में कुछ वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तमाम बच्चों के लिए, जिसमें आप लोग सिंपल SC ST OBC और EWS कैटेगरी के बच्चे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र आप लोगों की, जहाँ पर क्वालिफिकेशन भी सिंपल आपकी 10वीं पास होगी, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन असोबिन मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच परमिट इशू मेडिकल ऑफिसर लीजिंग। बाकी आप लोगों को बता दें कि इसकी फीस 100 रुपया फीस रहने वाली है। SC ST EWU वाले कैंडिडेट्स ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट रिक्वायर टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म, सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन हिमसेल्फ ही शी इनेबल्ड, नोटिफिकेशन सर्वर विल बी ओपन 10 बजे। 3 जुलाई से ये फॉर्म फिल ओपन हो रहे हैं और 2 अगस्त तक ये फॉर्म फिल ओपन होंगे। सभी बच्चों को बता दें ये फॉर्म कब से कब तक लगेंगे, 3 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना अगर आप एलिजिबल हैं, बाद में साइट बिजी हो जाती है, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि ये फॉर्म है कौन से। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी दोस्तों, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, आप लोगों के ईटानगर आप वाराणसी वगैरह में 1104 पोस्ट है पूरे, जहाँ पर कौन से नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे की ये आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ पे ट्रेड की बात करें तो फिटर की 140 पोस्ट है। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला, आप लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों, और ट्रेनिंग में आपको पैसे भी मिलेंगे, ज़्यादा पे नहीं है, 10 से 12 हज़ार ही पे मिलती है, बट आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देके घर में भेज देंगे। ये कोई आप लोगों की लॉन्ग टाइम सर्विस नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने फिटर मैकेनिस्ट वेल्डर कारपेंटर और टर्नर की जो ITI की हुई है, तो ITI वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप लोगों ने अभी तक ITI का फॉर्म फिल नहीं किया है ना, तो दोस्तों ITI कर ले अगर घर में वेले बैठे हुए हैं। ITI की काफ़ी सारी वैकेंसी रेलवे में निकलती रहती है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सरकारी नौकरी का भरोसा नहीं रहा आजकल। तो जिस बच्चे ने ITI का फॉर्म नहीं फिल किया, ITI में एडमिशन ओपन है भाई, इसलिए अभी भी आप लोग ITI का फॉर्म फिल नहीं किया, जल्दी से ITI का फॉर्म फिल करो। 11 तारीख को ITI की लास्ट डेट है, तो आप लोगों को बता दें कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो ITI करना बहुत ज़रूरी। उम्र आपको बता दी मैंने, उम्र इसमें फॉर्म फिल करने की जिन्होंने ITI की है 15 साल से 24 साल तक जनरल की है, बाकी SC वालों को, ST वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल की छूट है। आपकी सिंपल 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं 50% नंबर होने चाहिए और ITI पास होनी चाहिए इन ट्रेड्स में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए बता दें, ये अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा ना 1 साल का, तो कल को आप लोगों को कोटा मिलेगा 15% रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, ग्रुप डी वगैरह वो आने वाली है बड़ी वैकेंसियाँ। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्दी से फॉर्म फिल करें। अगर फॉर्म फिल करवाना है तो 9682305611 9682305611 पे मैसेज कर लें। ITI का फॉर्म फिल कराना है जिन्होंने, ITI में एडमिशन लेनी है अपने नज़दीकी ITI में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जो आपको प्रिंट मिलेगा वो प्रिंट आपको ITI में जमा करवाना है, तो इसलिए जल्दी से ITI में एडमिशन जरूर ले लें। ये फॉर्म निकलते रहते हैं, ये ट्रेनिंग वाले हर साल निकलते रहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा आप लोगों के लिए, लड़कों के लिए खासकर, लड़कियों के लिए नहीं है ये। तो ये आप लोगों को बता दिया हमने, 3 जुलाई से 2 अगस्त तक ये फॉर्म ओपन है। और अगर फॉर्म फिल करवाना है तो वही बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेज करे, व्हाट्सएप नंबर आपने बोल दिया, जिसके पास ITI फिटर की है, मैकेनिक की है, वेल्डर की, कारपेंटर और टर्नर की है, तो वही बच्चा, ठीक है, बाकी वाले ना करें। ओके भाई, थैंक यू।